पूर्व मंत्री इमरती देवी ने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की एफआईआर दर्ज करवाकर गिरफ्तारी की मांग की है और जीतू पटवारी ने बीती 2 मई को ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर मीडिया से बात करते हुए अभद्र टिप्पणी की थी। जीतू पटवारी ने कहा था कि इमरती देवी का रस खत्म हो चुका है, जो अंदर चाशनी होती गई। हालांकि इस बयान के बाद जीतू पटवारी की जमकर किरकिरी हुई और जिसके बाद जीतू पटवारी को माफी भी मांगनी पड़ी थी। हालांकि जीतू पटवारी ने जो बयान दिया था उसकी खूब आलोचना भी हो रही थी, हालांकि सफाई भी उन्होंने दी थी जीतू पटवारी ने, लेकिन इस बीच बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया था और साथ ही इमरती देवी ने भी इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज करवाई थी, एफआईआर करवाई थी और अब गिरफ्तारी की मांग की है इमरती देवी ने। रिपोर्ट करिए, मैंने उन पर एफआईआर करिए, हमारी शीला जिला पंचायत सदस्य अशोक नगर से उनने भी रिपोर्ट करिए अशोक नगर में। 20 दिन का समय हो गया, कोई गिरफ्तारी आप चाहेंगे? गिरफ्तारी हो क्यों नहीं चाहेंगे, रिपोर्ट करी तो गिरफ्तारी तो चाहेंगे। क्या स्थिति, 20 दिन का समय हो गया, कोई बातचीत करी आपने आईजी महोदय? चुनाव है क्यों, पहले जूता दे लो फिर माफी मांग लो, ऐसी माफी थोड़ी हम मानते हैं। वहीं जीतू पटवारी का वो बयान आपको सुनाते हैं जिसको लेकर इमरती देवी ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है उनके लिए मैं कुछ बात नहीं कर।